दोस्तों, स्वागत है आपका बॉडी बिल्डिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम आदित्य सिंह, और आज हम बात करने वाले हैं हम लोगों के चहेते टाइगर श्रॉफ की। टाइगर श्रॉफ जो बागी और बागी टू के हीरो हैं, बागी टू आने वाली, तो मैंने सोचा कि उन्हें बात कर ले उनके बारे में। तो आप लोगों को जानने में शायद दिलचस्पी होगी कि टाइगर श्रॉफ नेचुरल हैं कि नहीं, और क्या हम लोग उनके जैसी बॉडी नेचुरली बना सकते हैं। क्या लगता है आपको? तो चलिए देखेंगे। और ये एक इसके पहले लाइक करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे चैनल को बड़ा बनाओ। इतनी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उसमें कुछ पैसे तो आपके लगने नहीं ना, मेरे को कुछ पैसे मिलने हैं, लेकिन होगा क्या, इससे होगा कि मुझको अच्छा लगेगा और मैं और वीडियो लाता रहूँगा। तो देखते हैं कि टाइगर श्रॉफ नेचुरल हैं कि नहीं। चलिए तो चलिए अब देखते हैं। पहले यदि हम लोग को ये देखना है कि वो नेचुरल हैं कि नहीं, तो पहले हमें कई चीज़ें पता करनी होगी। तो ये देखिए, ऑन स्क्रीन हम लोग देख रहे हैं टाइगर श्रॉफ की हाइट जो है 5'9" है, और उनका वेट अराउंड 152 lbs यानी 72 kg, और बॉडी मेजरमेंट चेस्ट है 44 इंच, वेस्ट 30 इंच, एंड बाइसेप्स 15 इंच। गाइस, मेरे भी बाइसेप्स 15 इंच ही है। तो देखिए, एज 26 ईयर, और हाँ, तो इससे हम कुछ कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं इनकी बॉडी की तरफ। टाइगर श्रॉफ की जो बॉडी है, इस बॉडी का टाइप एक्टोमीजोमॉर्फ टाइप का है। देखिए, अभी मैंने बॉडी टाइप के बारे में डिस्कस नहीं किया, और ना ही नेचुरल और स्टेरॉयड के ऊपर मैंने बहुत बोला है, लेकिन ये वीडियो है तो मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। बाकी मैं इसके बारे में अलग से भी वीडियो करूँगा, तो आपको एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। तो अभी हम इस एक्टोमॉर्फ की बॉडी वो होती है जो काफ़ी लीन होती है, और इसमें मसल्स जल्दी नहीं आती। मीजोमॉर्फ की खासियत ये होती है कि उसमें मसल्स जल्दी आती हैं, और फैट कम ही रहता है। एक्टोमॉर्फ में तो फैट बहुत ही कम रहता है, और मीजोमॉर्फ में भी फैट कम रहता है, मसल्स का रेशियो ज़्यादा रहता है। तो इनकी बॉडी मिक्सअप कह सकते हैं आप, कोई भी बॉडी जो होती है वो कुछ ना कुछ मिक्सअप ही होती है। पूरी तरीके से 100% एक्टोमॉर्फ या 100% मीजोमॉर्फ बॉडी तो जल्दी मिलती नहीं, तो ये मिक्सअप ही मिलती है, और इनकी बॉडी भी अच्छा मिक्सअप है इस चीज़ का। तो थोड़ा मीजोमॉर्फ का इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से इनकी मसल्स जो आप देख रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, मसल्स का साइज है, वरना जो लो बॉडी फैट में मसल्स जल्दी गेन नहीं होती। और जैसा कि ये इनकी बॉडी टाइप है, अब गर्ल्स को भी ऐसी बॉडी टाइप बहुत पसंद होती है। जो ज़्यादा बल्कि बॉडी बिल्डर होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग में एक्सेप्टेड होते हैं, बॉडी बिल्डिंग कम्पिटिशन में, लेकिन मतलब नॉर्मली वो बॉडी ज़्यादा सेक्सी लगती है जो बॉडी ज़्यादा लीन होती। तो अब आप इनकी बॉडी की हार्डनिंग देख रहे होंगे, देखिए इनकी बॉडी की हार्डनिंग कितनी अच्छी है। तो ये हार्डनिंग हमेशा मेंटेन नहीं की जा सकती, ये हार्डनिंग बेसिकली कोई फोटोशॉप भी कुछ कह सकते हो आप, वैसे ये इनकी रियल बॉडी ही है। और ये फोटो के लिए, पोर्टफोलियो इमेजेस लेने के लिए और पिक्चर के लिए ऐसी बॉडी मेंटेन की जाती है। इस बॉडी को जब बॉडी तो देखिए हम ठीक है, इनकी लीन है हमेशा, लेकिन ये हार्डनेस लाने के लिए आपको अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को बिल्कुल निकाल देना होता है, बिल्कुल बाहर कर देना होता है। और इसके अलावा आप इस चीज़ के लिए आपको पहली बात तो आपको स्वीट चीज़ें छोड़नी होंगी, क्योंकि उससे बॉडी में फैट गेन होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए जो सॉल्ट होता है वो भी आपको छोड़ना होता है। और सॉल्ट देखिए, बेसिकली सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट बॉडी में वाटर को होल्ड करता है। और इसके अलावा क्रिएटिन टाइप के सप्लीमेंट भी इस टाइम नहीं यूज़ किए जाते गाइस। तो कुछ सप्लीमेंट है जो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी जब फैट कम होता है तब मसल्स को प्रिजर्व रखते हैं। अब इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में इस टाइम नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है। हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि इस टाइगर श्रॉफ इज़ नेचुरल और नॉट। तो देखिए, स्टेरॉयड लेने की टाइगर श्रॉफ को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बॉडी, यदि आपका बॉडी टाइप मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ से मिक्स है और मीजोमॉर्फ के पार्ट उसमें ज़्यादा है, तो आप बना सकते हैं इससे। क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे
जैसा कि मैंने अभी दिखाया था आपको पहले कि इनकी हाइट 5'9" और वेट 152 पाउंड है। तो गैस 5 फुट 9 इंच की हाइट में 152 पाउंड, और इनका बॉडी फैट परसेंटेज मेरे अकॉर्डिंग करीब 10% के अराउंड होगा, 10% के आसपास। तो आप ये अचीव कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो अचीव नहीं किया जा सकता। आप बड़े आराम से इतने मसल वेट अचीव कर सकते हैं। और यदि आपकी बॉडी इस टाइप की है कि ज़्यादा आपको फैट नहीं गेन होता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इसके लिए। प्लस यदि ऐसी आपको हार्डनिंग चाहिए, तो इस हार्डनिंग के लिए मैंने आपको जैसे बताया ही, और मैं आगे की वीडियो में स्पेशली बताऊंगा इस बारे में कि कैसे कटिंग करनी और कैसे हार्डनिंग करनी। लेकिन देखिए, अब एक्टर्स के पास हर एक चीज़ की सुविधा होती है गैस, आपके पास उन नहीं होती। हो सकता है कि आप खर्च कर सकते हो, लेकिन सब इतना 2-3 लाख 4 लाख मंथली एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा इनके ट्रेनर्स वर्ल्ड लेवल के ट्रेनर्स होते हैं, जो उनकी देख रेख में जितनी डाइट होती है इनके, वो सब डाइट फिक्स होती है। और जैसे कि मैंने आपको एज बताई कि 26 ईयर एज, तो आप देखिए क्या है, इन्होंने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की, हम जानते हैं मार्शल आर्ट में कितने अच्छे हैं, और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस इन्होंने बचपन से ही की है, 5-6 साल से ही की है। तो मार्शल आर्ट से क्या होता है कि एक्सेसिव फैट तो आपके वैसे भी नहीं गेन होने वाला, और इनकी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल और एस्थेटिक टाइप की। दूसरी एक बात क्या है कि कम एज में आपके हार्मोन्स बड़े अच्छे लेवल पे होते हैं, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, जिसे अब स्टेरॉयड यही होते हैं, बेसिकली हार्मोन्स ही होते हैं। तो जब आपके नेचुरली हार्मोन्स ही अच्छे हैं, तो आपको फिर किसी बात की दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि कम एज में बॉडी बनाना बहुत आसान होता है। तो वो काफी समय से ये काम कर रहे हैं, और देखिए जैसे कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितनी उन्होंने मेहनत की है, तब जाके उनकी ये बॉडी बनी है। तो बिना मेहनत के और टाइम के तो ये बॉडी बनने नहीं वाली। यदि आप ये सोचो कि नेचुरल बॉडी तो बनती है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। जैसे कि मैं ही करीब 8-9 साल से जिम कर रहा हूँ, और उससे 1 साल पहले से मैंने घर पे ट्रेनिंग चालू कर दी थी। तो करीब 16 ईयर से, जब मैं 16 ईयर का था तब से मैंने ट्रेनिंग चालू की अपनी। तो इन्होंने तो उससे भी पहले से, ये तो बहुत पहले से हमेशा से ही करते आ रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से इनकी बॉडी नेचुरल है, और इनको कोई ज़रूरत नहीं, आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है स्टेरॉयड लेने की ऐसी बॉडी बनाने के लिए। आप बिल्कुल बना सकते हैं, मेहनत करने की ज़रूरत है, और हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। और यदि आपकी एज है, कम है एज, अभी 30 ईयर से कम है, तो फिर आप ज़रूर बना सकते हैं ऐसी बॉडी, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैं बताऊंगा कैसे अपने हार्मोन्स को और अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, सब चीज़ें बताऊंगा। तो जरा एक लुक देख लीजिए जरा टाइगर श्रॉफ की, ये जो उन्होंने हार्ड वर्क किया है, और ये वीडियो में ये देखिए एक वीडियो जिसमें टाइगर श्रॉफ की उतनी हार्डिंग नहीं है बॉडी में, और देखिए इस वीडियो पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें उतनी हार्डिंग नहीं है, और इसमें ये एक्सरसाइज कर रहे हैं इस टाइम, बॉडी बना रहे हैं। और रिजल्ट देखिए, अब हम लोग रिजल्ट देखते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए मुझको, और पूछिए आप मुझसे जो भी चाहे पूछ सकते हैं, आराम से पूछिए, और मैं आपकी बॉडी जरूर बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और नीचे कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आगे आप कौन सा टॉपिक सुनना चाहते हैं। तो बताते रहिए मेरे को, कमेंट करते रहिए और लाइक कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।